न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर पीएम मोदी करेंगे आज शिक्षकों से बात। रिया का जेल में तीसरा दिन, ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत पर फैसला आज। सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा ईडी नया केस दर्ज कर सकता है। लद्दाख में तनाव कम करने की कोशिश, भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 पॉइंट पर सहमति, बातचीत जारी रखते हुए सैनिक हटेंगे, माहौल बिगड़ने वाली कार्रवाई नहीं होगी। कोरोना देश में अमेरिका की तुलना में भारत में करीब 3 गुना मरीज बढ़े, देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 96,760 संक्रमण मिले, अब तक 45.62 लाख मामले। कोरोना दुनिया में WHO बोला एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल रुकना चेतावनी, शोधकर्ता निराश न हो, चीन में पहले नेजल वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति, अब तक 2.83 करोड़ केस। हिमाचल के मंडी में हवाई अड्डे के लिए 500 मीटर तक काटनी पड़ेंगी बंदीधार की पहाड़ियां। हिमाचल के पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोरलेन निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जल्द लगेंगे टेंडर। पंजाब में कोरोना से 88 और मरीजों की मौत, 2,464 नए पॉजिटिव मिले, 623 की हालत नाजुक। अटारी बॉर्डर के जरिए 354 भारतीय छात्र पाकिस्तान हुए रवाना, 74 पाक नागरिक भी अपने वतन लौटे। कंगना के समर्थन में उतरे हरियाणा के गृह मंत्री, बोले गुंडों की तरह बर्ताव करें। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।